नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव। दोस्तों आज तारीख है 27 जून 2020, शुभ दिन है, शनिवार का दिन है दोस्तों, शुभ तिथि है सप्तमी और नक्षत्र है पूर्वा फागुनी। दोस्तों आज गुप्त नवरात्रों की सप्तमी है, आज का दिन सर्वोत्तम होता है। अगर किसी कन्या की शादी में दिक्कत आ रही है तो आज माता कात्यायनी की पूजा करने से, उनके नाम का उपवास रखने से आपकी शादी में आने वाली दिक्कतें परेशानियां सब दूर होती हैं और कन्या को योग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों आज का राशिफल, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले दोस्तों, आपका दिन आज बहुत बढ़िया व्यतीत होने वाला है। आप ये मान के चलो आज कुदरत आपके ऊपर मेहरबान होगी, आपकी योजनाएं आज सब सिद्ध होंगी। आप जो भी रिस्क लेंगे आपको आज कामयाबी 100% मिलेगी, कहीं भी आज नाकामी का योग नहीं है। वृष राशि। वृष राशि वाले दोस्तों, आपके लिए आज का दिन नया ऊर्जा लेके आएगा, आप खुश रहेंगे, कुछ नया करने का विचार करेंगे, आज आपको उसमें कामयाबी भी मिलेगी और रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। आज आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, अपने हिम्मत को आप लगाएं, आपको आज कामयाबी मिलेगी। मिथुन राशि। दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा सहज जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल जाएगा, योजनाएं बहुत बनाएंगे परंतु इम्प्लीमेंट होने के स्कोप कम है। जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा लंबा ना सोचें, लंबी लंबी योजनाएं आपकी ज़्यादा कामयाब नहीं होती। आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचिए, ज़्यादा भागिए मत, आराम से जीवन को व्यतीत करने के बारे में सोचिए, आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक, आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। दोनों स्थितियों को संभलने के लिए, समझने के लिए आप तैयार रहें। आपके लिए आज का दिन लेसन लेने वाला है, सीखने वाला है, थोड़ा सा सुस्त रहेगा परंतु आज आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नया जानेंगे, बहुत कुछ नया करेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले दोस्तों, आज आपके सरकारी सभी कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, सरकारी काम के आज विषय में आप दिमाग से त्याग दें। आप जो भी सरकारी विषय के बारे में सोच रहे हैं आज आपको हर तरफ से हानि होने के चांसेस हैं, नुकसान होने के योग हैं। थोड़ा सा मन को व्याकुल ना होने दें, सरकारी योजनाओं पर आज काम ना करें तो आपके लिए आज दिन बढ़िया व्यतीत होगा, नहीं तो आपकी योजनाएं आज फेल हो जाएंगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले दोस्तों, आज खर्चे का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है, आज आपकी सेविंग भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, परंतु आने वाला समय आपके लिए अनुकूल है, इसलिए बेप्रभाव के खर्चा करें, खुश होके खर्चा करें, आने वाला समय आपका बढ़िया आने वाला है। तुला राशि। तुला राशि वाले दोस्तों, आज आप कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी से बचें, आपकी जल्दबाजी से आज आपका नुकसान हो सकता है। ज़्यादा किसी का विश्वास पात्र बनने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहें, मन मुटाव से बचें और चुगली से भी बचें, नहीं तो आज आपका नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आज आपके लिए रिस्क लेना जान पे खेलने के बराबर है, ड्राइविंग करते समय बिजली के उपकरणों के मामले में बिल्कुल रिस्क ना लें, नहीं तो आज नुकसान हो जाएगा। भूमि वाहन इत्यादि को चलाते समय भी ध्यान रखें, आज आपके शारीरिक कष्ट लगने का योग है। धनुराशि। धनुराशि वाले दोस्तों, केतु देव का संचार आपकी राशि में चल रहा है, थोड़ी सी योजनाएं विफल होंगी, डिसीजन लेट हो सकते हैं, थोड़ा रोग भी आपको परेशान कर सकता है, परंतु आप डटे रहें, पक्षियों को बाजरा डालते रहें,
पक्षियों को सतनाजा डालते रहें, आपका समय अनुकूल हो जाएगा, कारोबार की स्थिति में भी सुधार होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले दोस्तों आज आपका गोल्डन टाइम है। आज आप अपने दिल की बात, चाहे अपने सीनियर से, अपने परिवार में या अपने लवर से आप करना चाहते हैं, आप कीजिए। आज आपको कामयाबी मिलेगी, आज कहीं भी आपका नुकसान नहीं होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले दोस्तों आप चुगली से बचे, नहीं तो आज आपके लिए शनि देव बुरा कर देंगे। चुगली करना आपके लिए घातक है, चापलूसों से बचें, अपनी दिल की बात किसी से शेयर ना करें। अगर आप करेंगे तो आपका वो काम फलित नहीं होगा, आपका वो काम बनेगा नहीं। मीन राशि, मीन राशि वाले दोस्तों आज थोड़ी सी तड़फन बनी रहेगी। जिस काम की आप योजनाएं बना रहे हैं वो काम डिले होता जाएगा, आपके हाथ से फिसलता जाएगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उस काम को करने के लिए, उस काम के रिजल्ट लेने के लिए। आप डटे रहें, मछलियों को आटा डालना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। दोस्तों ये था आज का राशिफल, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव।